मानवर मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। कल मेरी लोकसभा नैनीताल उधम सिंह नगर से एक ट्रेन स्वर्ण मंदिर के लिए काठगोदाम से सीधे अमृतसर जो जाती हो लगानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सिख धर्म को मानने वाले हजारों लोग हल्द्वानी, बाजपुर, काशीपुर, लालकुआं, गदरपुर, जसपुर, रामनगर, रुद्रपुर, खटीमा, सितारगंज, नानक मत्तासी प्रतिदिन पवित्र स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। मान्यवर इतना ही नहीं, नैनीताल उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है मान्यवर, और अधिकतर वहां की रिश्तेदारियां पंजाब में हैं। क्योंकि उत्तराखंड एक सैनिक बहुल क्षेत्र है, इसलिए अटारी बॉर्डर तथा बाघा बॉर्डर के लिए भी वहां के लोगों का, आम लोगों का आना जाना लगा रहता है। यह भी मुझे सदन के संज्ञान में लाना है कि फगवाड़ा, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर कपड़े इत्यादि की बड़ी मंडी होने के कारण व्यापारी भी अक्सर जाते हैं। कोई ट्रेन नहीं होने के कारण बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि माननीय रेल मंत्री जी को निर्देशित करने की कृपा करें कि काठगोदाम से अमृतसर तक रेल चलाई जानी बहुत आवश्यक है।